Hello friends, today we'll be discussing about Baswan committee report. Now many of you must be aware what this Baswan committee is, lekin jinhe nahi pata, let's give it a shot in this video. Abhi central government ne committee bithai thi under the chairmanship of Mr. Baswan, and let me remind you, this committee was a committee of experts, and this committee was given a task to examine the various issues connected with civil services examination. Hamare jo UPSC civil services examination iske related jo bhi issues the, is in issues ko ki ek hisab se tehqiqat karne ka kaam this Baswan committee ka tha. Aur expert committee jo ye Baswan committee thi, inhone apni report jo submit kar diye UPSC ko 9th August 2016. Abhi kuch kya kuch iske updates the to nahi, abhi tak to koi updates nahi the, but lakhs of aspirants are eager to know the government decision on Baswan committee recommendations. हमें ये जानना है कि government का सही में stand क्या है, जो recommendations आए हैं accordingly. हमें पता चला है कि Baswan committee ने तो report submit कर दी UPSC को, लेकिन government ने इसके ऊपर क्या decision लिया है, क्या कुछ ऐसे कुछ updates है तो नहीं, अभी तक तो कोई serious updates आए नहीं है. So why this Baswan committee report in news again? तो ये न्यूज़ में इसलिए बनी है क्योंकि एक आरटीआई, एक पीटीआई करस्पोंडेंट था, थे, उन्होंने शायद एक आरटीआई क्वेरी फाइल की, एंड इन रिस्पांस टू दिस आरटीआई क्वेरी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग हैज सेड दैट Baswan कमिटी रिपोर्ट अलोंग विथ यूपीएससी रिकमेंडेशंस हैज बीन रिसीव्ड. मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को Baswan कमिटी की रिपोर्ट अलोंग विथ यूपीएससी रिकमेंडेशंस मिली है 20 मार्च को, एंड द सेम इज अंडर एग्जामिनेशन. मतलब इन शॉर्ट, पहले Baswan कमेटी रिपोर्ट, Baswan कमेटी पहले बैठ के एग्जामिन कर रही थी, अभी दिस डिपार्टमेंट इज एग्जामिनिंग. मतलब इन शॉर्ट, ये लोग एग्जामिन खेल रहे हैं, नथिंग सीरियस एज ऑफ नाउ. सो आर द Baswan कमेटी रिकमेंडेशंस अवेलेबल इन पब्लिक? ऑफ कोर्स दे आर नॉट. द सेंटर हैज रिफ्यूज टू डिस्क्लोज द रिकमेंडेशंस फॉरवर्डेड बाय द सेड कमिटी. सेंटर ने सीधी तरह से बोल दिया कि हम आपको नहीं बताएंगे कि जो रिकमेंडेशंस Baswan कमेटी के है वो क्या है और क्या नहीं. तो अगर पब्लिक में आएंगे तो द हिंदू जो है ये तो हमें बता ही देगा, और इसी ने ये बताया कि ये पब्लिक में है नहीं. सो फिर से ये सवाल क्यों उठ रहा है कि यूपीएससी सीएससी एज लिमिट कम होगी, ऑप्शनल पेपर कम होगा? तो ये ऐसा है कि गवर्नमेंट के तरफ से तो कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आया नहीं है, कुछ डिसीजन आया नहीं है, बस एक छोटा सा रिप्लाई है कि हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं. ऑफ कोर्स दे हैव टू, अब इतने 8 महीने से आप लोगों के पास पेंडिंग है तो आप मतलब उसको, ये शायद उसको याद कर रहे हैं. जस्ट किडिंग, इन्हें शायद ज़्यादा ही लगाव होगा इस रिपोर्ट से, इसलिए देना नहीं चाहते हम लोग को. ये बोले नहीं, ये हमारी है, हम आपको नहीं देंगे. So will the government reduce age limit from present 32 years? क्या government age limit reduce करेगा? तो अभी तो हमें पता नहीं, भगवान ही जाने. लेकिन एक thing तो clear है कि reduction of age limit will not be an easy decision for any government to make. और अगर भी ऐसा कुछ decision होता है कि 32 साल से कम करके age limit 6 साल कर दी जाए या और उससे भी कम की जाए, तो एक कूल डाउन पीरियड तो ऑफ कोर्स हमें मिलेगा. जो हम ट्रेडिशनल या नॉर्मल तरीके से हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग को एक कूल डाउन पीरियड तो डेफिनेटली मिलेगा, लाइक 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स और मे बी लेस और मे बी मोर, लेकिन डेफिनेटली कूल डाउन पीरियड तो सबको मिलेगा ही मिलेगा. और रिमूवल ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या इश्यू है? तो ऐसा लगता है कि Baswan कमेटी ने एक सर्वे किया था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे मेजॉरिटी ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स दे सेड कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को कम कर दो. अब इन लोग से पढ़ाई तो होगी होती नहीं होगी, और या फिर इनको पढ़ाई करना जान पे आता होगा. आई एम जस्ट किडिंग, नो ऑफेंस. और इन लोग की बात माने तो ये तो बोलेंगे यार कि आप एग्जाम ही खत्म कर दो, सीधा सबको कलेक्टर बना दो. बट इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. एंड लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सीरियस है और जो सही में पैशनेट है, जिनको सही में जो यूपीएससी का स्ट्रक्चर है अभी का उन्हें पसंद आता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू, और जो सही में पैशनेट है उनके स्टडीज को लेकर, दे आर्ग्यू दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होना चाहिए, बिकॉज वही एक शोभा है इस एग्ज़ाम की. मतलब जो यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, विच इज़ सेड टू बी टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो एक मतलब स्टैंडर्ड है ना हमारे यूपीएससी का. तो इनका ये मानना है कि नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है
वो नहीं निकलना चाहिए, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए. कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई UPSC रिगार्डिंग रिविजन ऑफ CSE एग्जाम स्ट्रक्चर. अब ये बासवन कमेटी कुछ पहली तो है नहीं, आप लोगों को पता ही होगा इससे पहले भी काफ़ी कमिटीज बिठाई गई है, जैसे कोठारी कमेटी थी, सतीश चंद्रा कमेटी थी, वाई के अलग कमेटी थी, ये सबसे अलग थे, सबसे अलग. आनंद कृष्णन कमेटी, भट्टाचार्य कमेटी, निगावेकर कमेटी, पुरुषोत्तम एंड खन्ना कमेटी एंड बासवान कमेटी. अब इन सारी जो कमिटीज है इनका तो डिसीजन आ चुका है, बट बासवान कमेटी का अभी भी एग्जामिनेशन चल रहा है. सो व्हाट शुड वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चिल एंड रिलैक्स. अभी तक तो ऐसे कुछ सीरियस अपडेट्स गवर्नमेंट ने दिए नहीं है, और अगर भी होंगे तो दे विल बी फॉर 2019, मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट बी फॉर 2018, क्योंकि अभी समय ज़्यादा बचा नहीं है कि आप अपडेट्स ला के सब लोगों के मुंह पे मार रहे हैं. तो अपडेट्स तो अभी हो नहीं सकते, अभी तो आ नहीं सकते अपडेट्स, एंड इफ देर विल बी एनी अपडेट्स दे विल बी फॉर 2019. सो अभी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है. तो अभी हमने क्या करना चाहिए, हमने अभी जो हमारे ट्रेडिशनली जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर है UPSC का, उसके अनुसार हम जो प्रिपेरेशन कर रहे हैं उसी प्रिपेरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली कुछ ऐसे खास डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए नहीं है. एंड अगेन व्हाट शुड वी डू? हमने इस वीडियो को लाइक करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ही जो अपडेट्स है, जो UPSC एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो हम आप लोग तक के पहुंचाते रहेंगे. और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन पोस्ट डाउन बिलो इन द कमेंट्स. एंड यस ऑफ कोर्स, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद.